हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रली, मेरा नाम है लिसन। वेलकम बैक टू अनदर एक्शन वीडियो। दास्तान से नाज, ये टाइटल मैंने देखा तो मैंने फौरन इस वीडियो का लिंक कॉपी किया और सेव कर लिया। एपिसोड वन, जब से नाज मेट, और डोंट हैव एनी आइडिया कि ये किस तरह होने वाला है। जब से नाज मेट का एक ट्रेलर था जिसे मैंने रिएक्ट किया था, उसमें तो बिग बॉस के क्लिप्स को एडिट किया गया था और जब वी मेट वाली मूवी के डायलॉग्स के साथ मर्ज किया गया था, वो काफ़ी क्यूट और काफ़ी मज़ेदार था। सो दस्ताने से नाज में क्या होने वाला है, दैट आई डोंट नो। और ये जो मैंने वीडियो लिया है, ये है से नाज लव फॉर एवर यूट्यूब चैनल है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो बढ़ते हैं रिएक्शन की जानिब और देखते हैं कि कैसा रहता है ये वीडियो। दिस मूवी इज बेस्ड ऑन द जर्नी ऑफ द मोस्ट लव जोड़ी। लव शव, इश्क मोहब्बत प्यार, जज्बात एक ही है, बस नाम अलग अलग है। वैसे ही जैसे हर जमाने में रोमांस की कहानियां नहीं बदली, लेकिन हाँ मिसालें जरूर बदल दी। जैसे पहले लोग प्यार में हीर रांझा, सोनी महिवाल, लैला मजनू की मिसालें देते थे, वैसे ही आजकल लोग सिड नाज की मिसालें देते हैं। कितनी प्यारी लव स्टोरी है ना सिडनाज की। सिडनाज बना है सिद्धार्थ और शहनाज से। सिडनाज सिर्फ दो जिस्म नहीं, एक जान, एक नाम नहीं, एक दास्तान है। एपिसोड वन, जब सिडनाज मेट, इसकी काफी रिक्वेस्ट थी। लेडीज फर्स्ट का रूल फॉलो करते हुए आइए सबसे पहले मिलते हैं कहानी की हीरोइन शहनाज गिल से। शहनाज जो इतनी शरारती, चुलबुली और चंचल सी है, किसी प्रॉब्लम का सलूशन भले ही उसके पास ना हो, लेकिन हर प्रॉब्लम में हंसाने का टैलेंट तो बंदी में भर भर के था। बंदा ऐसे ही होना चाहिए यार। क्या करूं मैं, मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, बहुत वायरल हुआ था। सबके रूप पता है मुझे क्या हो गए, कुछ ना आरती आरती करना है करो, नहीं करना ठीक। ऐसे कौन हंसता है। क्या, अच्छा मैं सोने जाऊंगी। मेरा बस चले तो ये मिरर अभी तोड़ू, अभी। पर क्या करूं यार, टाइगर श्रॉफ वो दिख रहा है, नहीं तोड़ सकती। क्या पता कल को इसके साथ ही रोमांस करना पड़ जाए। ओके ओके, पहली बार देख रहा हूँ। ढूंढ रहा है आवाज कहाँ से आ रही। चला जा, बाय। आइए अब मिलते हैं हमारी इस लव स्टोरी के हीरो सिद्धार्थ शुक्ला से। सिद्धार्थ जो कभी भीड़ में नहीं खेला, हमेशा भीड़ से भिड़ कर खेला। इसकी किसी से नहीं बनती थी, बनती थी तो सिर्फ अपने अग्रेशन से। हीरो भी ऐसा ही होना चाहिए। मत लगना मेरे से बनते के, कितने लोग को जानता है ना, पूछ उन लोग से मेरे बारे में, फिर बाद में बात कर। तू अभी करके दिखा ना तेरे को ऐसा तोड़ू। हर बात पे गुस्सा क्यों हो जाते हो तुम? मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है भाई, सॉल्व करेगा? नहीं मैं क्यों करूं? तो चुप है। तेरा क्या लेना मेरे साथ? तेरे को बोला था जिस दिन तेरी आर्मी निकली। ये सीन्स मैंने कभी नहीं देखे। अगर तू मेरे को उपहार मिलता ना, मैं तेरा मुंह तोड़ डालता। आपके साथ बैठ ही नहीं सकती हूँ। तो मैं नहीं चाहता मेरे साथ बैठे भाड़ ले जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भाड़ में जाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। निकलता मैं तो दिन तीनों को फोड़ के जाता, जिंदगी भर याद रखते।
यही है अकेला अकेला हूँ और अकेले से भटकती है तुम सबकी। जहाँ सिद्धार्थ हर किसी से अकेले ही पंगे ले रहा था, वहाँ शहनाज अकेले रहने को तैयार ही नहीं थी। बस इसी चक्कर में वो पारस को अपना दिल दे बैठी। क्या हो गया रही? नहीं कहता, ऐसे फील ले रही है मानिका। ये फ्रूट वाला प्यार है ना, तो धंधे वाला कौन सा होता है? तेरे साथ मुझे अटैचमेंट है। तो क्या एक्सपेक्ट करने लगती है तू? एक्सपेक्ट मतलब शादी कर ले इसके साथ, बैठ जाए इसके साथ, मेरा को छोड़ दे, ये सारे चीजें देख सकते हैं। तू चाहे कुत्तों वाली हरकतें कर, चाहे तू कितना कुछ बोल जाता है मुझे, कितना कुछ करता है, तू फिर भी मुझे अच्छा लगता है और तू हमेशा लगेगा। तुम्हारा क्या चक्कर है? किसके साथ हो रहा है कुछ? पारस के साथ। मैंने तो पहले क्लियर किया, मैं करूंगी तो ट्रूली करूंगी, मेरे को फालतू में टाइम पास करना पसंद नहीं है। और मेरा उसके साथ अगर मान लो शुरू भी हो जाए, हिम्मत नहीं किसी लड़की के साथ बैठ जाए जो मुझे नहीं पसंद। लेकिन पारस का दिमाग कहीं और लग रहा था। पारस गया माहिरा के पास, क्योंकि पारस के लिए शहनाज नहीं माहिरा थी खास। तो यहीं से जुड़ गया शहनाज की कहानी में माहिरा का एंगल और बन गया एक अजीब सा लव ट्रायंगल। जब कोई इंसान किसी के लिए दिल से फील करता है ना, तो वो फीलिंग थोड़ी सी अलग होती है, सामने वाले को अलग दिखती है। और तू सबको बेस्ट फ्रेंड नहीं समझता, तू मेरे को समझता है दिल से। तो मैं इसको वही बता रही थी कि तू मुझे बेस्ट फ्रेंड समझता, लेकिन तू कहीं ना कहीं इसको पसंद करता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। दो लड़कियों में तेरे घर की लड़ाई हो रही है, तो कोई मसला है क्या? मेरे को ना एक टाइप के लोग समझ में आते, दो मुंह के लोग मुझे पसंद नहीं। अच्छा, एडिट किया हुआ है। क्या कहना चाह रही हूँ, तू पारस को लेकर घर रही है ना, देख मेरी बात सुन। अगर ये मेरा दोस्त है तो मैं इसके साथ बैठूंगी, तो ये तेरा दोस्त है तू ले जा, मेरे को ऐसा नहीं है बच्चों की तरह तू मेरे साथ बैठ मेरे साथ बात कर, तुझे जेलसी हो रही है लेके जा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिहेवियर मुझे मत दिखा, या तो बात करो या तो बात मत करो। पता चक्कर क्या है? बात अब मेरी फ्रेंड तू भी है ना, वही मेरा मसला क्या है? अच्छा एक बात बताओ, आप क्या चाहते हैं? आप चाहती है कि ये किसी और से बात नहीं करें? जैसा भी है तो एक के साथ रहो। हाँ करेक्ट, तू हीरो नहीं है यहाँ पे। फिर क्या हुआ? कितना टॉलरेट करना है, जब उसका मन करेगा कुछ भी बोल के जाएगी। पर मैं तो तेरे साथ ही हूँ ना। कोई बात नहीं, नीचे ऐसा साथ जो साथ होके भी मारे आपकी। ये मुझे कुछ पता ही नहीं था इस कहानी का। तेरे से मसला है, कितने मजे दोस्त बन जाओ तुम। मेरा चना का तो कुछ है ही नहीं, रहकर तेरे साथ हूँ मैं 24 घंटे। बहुत जलन करती है तू। कहना क्या चाहती बोल। अच्छी बात उसकी पता क्या है? क्या? कवर करके रखता है दोस्त है ना मेरा। नहीं तो ना हो ना तो कवर कभी ना हो। उसने नहीं किया हुआ कवर। अब तू मुझे बता तू क्या कर रही है? तेरे में क्या है जो तेरा वो बोलता है रोज? उसको लगता है, उसको लगता है, उसको लगता है तू जानती भी बोल। हाँ मैं भी बोल। मैं प्रॉब्लम तुझे है नहीं, तेरे पहले को पसंद करती थी ना, तेरे से ज्यादा है क्या भी है ना, तेरे से ज्यादा ही होगा। Over figure, really? Everything over. Really? So please be in your limits, okay? Don't cross your limits. Same to you, darling. Same to you. ये अपनी ना ज़बान को थोड़ा control करने चलो, अपनी आवाज़ को volume कम कर। मेरे साथ यहाँ पे आके बात मत। नहीं कर रहा। इस पे रहना। इसी पे रहेंगे। ये attitude। इसी पे ही रहूँगा। Very good. चल चल निकल। बढ़िया ही। बकवास नहीं कर रही। अच्छा चल। हाँ सही बोल रही हूँ। साले मेरे। ये जो मैं बोलता हूँ ना कि ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, भाड़ में जाते तेरा किस्सा खत्म। लाना था तेरे मुंह पे। पारस की हरकतों ने शहनाज को दिया हार्ट ब्रेक वाला फील। तभी सिद्धार्थ की बातों ने किया शहनाज को हील। ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। क्या हो गया बेबी? क्या हो गया? ये मुझे नहीं पता था। क्या हो गया देखो? क्या हो गया बोल? क्या हो? नहीं अरे पर क्यों मतलब? कितना रोएगी यार? फीलिंग नहीं समझते ये बंदे की। लाइफ में ना जरूरी नहीं है करोड़ लोग अपने को पसंद करें, कोई एक भी पसंद करेगा ना काफी होता है। यस यस यस। लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को फोन करना विदाउट फियर। वाह प्रॉमिस करते रहिए। वाह 70 साल की हो जाएगी अगर मैं जिंदा रहा तो।
कभी एक दूसरे को समझ कर, कभी एक दूसरे को समझा कर, यहीं से निकल पड़े सिडनास दोस्ती के मस्ती भरे सफर पर। एक तो है ऐसी लड़की जो जब रोती है तो आंसू अदालत वाले आगे। हाँ बिल्कुल शहनाज, हाँ क्योंकि शहनाज के साथ मेरा यहाँ पे बॉन्ड सबसे अलग है। She's a friend of mine and she'll always be a friend of mine and I'll always be there for her for life. उसके साथ वो बैठता हूँ तो मेरी energies अच्छी होती हैं और you know मैं बहुत ही ज़्यादा comfortable रहता हूँ उनके साथ। इसे background music remove हो चुका है, I guess copyright की वजह से। But this is so cute movie. मैं लूजर से हाथ भी नहीं लगती। मैं तो गले लगी थी। That means I'm a winner. Siddharth, you're extraordinary. Yeah, baby, no darling. Very soon I'll be your ex and become ordinary. Oh, you're my present right now. I'm your friend right now, present friend. सच ही निकल रहा है। You are thinking something else. No, baby. Your गंदे thoughts about me. That is your गंदे thoughts. Darling, who told you friends cannot be ex? Again, the music has been muted. But these are so cute moments. और मुझे इस कहानी का behind the scene नहीं पता था। तीस साल बाद मिले, पता नहीं था कि हम लोग मिलने वाले, मतलब टकरा गए। ओह क्या कर रहे हो तुम? माइंड योर लैंग्वेज बोल रहे हैं। एक्सक्यूज मी, दिख नहीं रहा आपको? ये लीजिए आपका बैग। क्या? मुझे नहीं चाहिए, अपना दो। मैं तेरे साथ एक अपना संग ट्राई करना चाहता हूँ। क्या प्रॉब्लम है तेरी? मैं तेरे को बहुत प्यार करती हूँ। बिग बॉस, मुझे अटैक आ जाएगा, मुझे अटैक आ जाएगा, तेरी कसम मुझे अटैक आ जाएगा। सॉरी, तू जो कहेगा मैं वही करूंगी। मेरे को पानी में मत फेंकना, बाकी तूने मारना है मार। तू कितनी बेइज्जती करवा रहा है लोगों के सामने। मत कर यार, पानी वाला मत कर, बाकी जो सजा देनी है मैं कर लूंगी। तेरा सर दुखाऊंगी, दुखाऊंगी दबाऊंगी। तेरी यहाँ ये आईब्रोज रोज, और तेरे हाथों का ये वाला पार्ट दबाऊंगी। फिर तो पानी कंफर्म है। और तेरी रिस्पेक्ट करूंगी। जितनी देर इस शो में हूँ तेरे अंग संग रहूंगी, और तेरे पैरों वाली साइड पे भी सोने को तैयार हूँ। पारस से कभी बात नहीं करूं। और बस हो गया, उठ जा। क्यों? I'm sure you've saved some food in your teeth in between your teeth. Oh no! That you can eat later. Oh no! After eating? Yes. I'm so lazy. I don't want to go and wash my face. Yeah, that's ridiculous. It's boring. Yeah, why do we eat food and then wash our mouth? It's like so boring. You know, food's in your hands. It's so good. You can smell it. You can eat it whenever you want. Isn't that fun? You're a very kind girl with a lot of emotions, and you feel a lot for a lot of people. I have feelings. Yeah, you got feelings. The people like you only deserve the ovation of. You know that? Wow! I love what you just said. That was a video, और इसका part 2, I don't know, I guess uploaded है, तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगा वो भी, but अभी तक के लिए इतना ही। और बहुत ही important बात जो मुझे पता चली है वो ये कि Big Boss में जो actually शहनाज का love start हुआ था वो पारस से था। मुझे ये नहीं पता, मैंने ये season नहीं देखा हुआ। और उसके बाद जब दिल टूटा शहनाज का तो सिद्धार्थ ने संभाला,
और फिर वहीं से ये कहानी स्टार्ट हुई। तो मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि शहनाज बहुत क्यूट है, शहनाज बहुत मासूम है, और वो एक ऐसी मोहब्बत करती है जिसमें कोई दिखावा नहीं है, जेन्युइन है। तो मुझे लगता था कि सिर्फ सिद्धार्थ सिर्फ लकी था कि उसे एक ऐसी लड़की ने मोहब्बत की, बट मोहब्बत तो जो आगाज़ है वो कहीं और से हुआ था। और क्या खूबसूरत आगाज़ था, हमें सबसे ज़्यादा उस टाइम में किसी न किसी की ज़रूरत होती है, और परफेक्ट मैच ये था, वो था भी नहीं। सो अब मुझे थोड़ा सा इसकी हकीकत पता चली, और मैं इसके या पार्ट टू को ज़रूर देखूंगा, और वो भी मैं रिकॉर्ड करूंगा और अपलोड करूंगा। मज़ा आया देख के, और बहुत ही अच्छे क्लिप्स और बहुत ही अच्छा एडिट किया हुआ है इसको। बट क्योंकि ये कलर्स के क्लिप्स हैं, तो आई होप कि ये कॉपीराइट ना भेजे। मेरी इतनी सारी शहनाज़ की वीडियो सिर्फ कलर्स के मरूने मिन्नत हो गई और वो डिलीट हो गई। मिलते हैं किसी नए रिएक्शन के साथ। इस वक्त मेरे सामने कैमरा में बैटरी टिक 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 कर रही है, तो मैं फटाफट बाइंड अप करता हूँ। मिलते हैं किसी नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अदानी के बाद।